उसका कुत्ता तुम्हें खा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दअ लकला तबल अर्दीन माशाल्लाह والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما شاء الله وعلى آله وأصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين سبحان الله سبحان الله قال عز وجل في شانه في شانه طه وياسين لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومأوانا وملجانا الشيخ الإمام أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين حجة الله في الأرض سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ابھی میں نے جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بالعانہ عاشقانہ غلامانہ مستانہ انداز میں پڑھیں بابا زی بلند درود پاک اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھیں بابا زبلن درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عادت کے مطابق دو تین اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں پیشگی کہہ دیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ شعر آپ تک دے رہا ہوں سماعت فرمائیں وہ بختاور ہیں جن کو دم بدم یاد خدا آئے وہ بختاور ہیں جن کو دم بدم یاد خدا آئے وہ بختاور ہیں جن کو دم بدم یاد خدا آئے وہ بختاور ہیں جن کو دم بدم یاد خدا آئے مبارک جن پر مبارک ہے وہ لب جن پر صدا صلی اللہ مبارک ہے وہ
अल्लाह भोजन पर सदा सल्ले अला आए मुबारक है वो भोजन पर। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह कि हसी सूरत हसी सीरत थे बेशक मुफोतिये आजम हसी सीरत हसी सूरत थे बेशक मुफोतिये आजम हसी सीरत हसी सूरत बेशक मुफोतिये आजमा कि जिनको देखते ही दे कि जिनको देखते ही दे खते यादे कि जिनको देखते ही देखते यादे खुदा आए मुबारक है वो लबुजुन पर। और ये शेर भी दे रहा हूँ समाज फरमा ले कि कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल पोशाई में कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई में कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई में अलम इश्क़ैन अलम हसनैन काल कर अलम हसनैन काल कर अली मुर्तज़ाए हसनैन काल कर अली मुर्तज़ाए अलम हसनैन काल कर अली मुर्तज़ाए। और अकीदे का शेर आपके हवाले कर रहा हूँ समाज फरमाले पेशी कह दे सुभान सुभान अल्लाह कि वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन अलम इश्क़े नबी काले के अलम इश्क़े नबी काले के तब अहमद रज़ा अलम इश्क़े नबी काले के तब अहमद रज़ा इश्क़े नबी काले के तब अहमद रज़ाए मुबारक है वो लबुजुन पर। पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अरे महंगाई करो ना वो रो बाजार हो जिसके नजरों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पर गुजारा होता है अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पर गुजारा होता है। प्यारे मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इसका तर्जमा सुन लीजिए इसका ट्रांसलेट समझ लीजिए। प्यारे मुसलमानों रब ताला फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। गौर करो प्यारे मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस नील गुआ आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस कुर्रे अर्ज़
पर पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन प्यारे मुसलमानों, जरा गौर करो, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस रूए जमीन पर पैदा किया है। तो आज हम मकाने बनाया करते हैं, आज हम दुकानें खरीदा करते हैं, आज हम खेत खलिहान खरीदा करते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने पेटों के लिए क्या करते हैं, अपने आइजा व अकरबा के लिए क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करते हैं। ये सारे इंतजाम अपने रिश्तेदारों और अपने लिए क्या करते हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, आओ जरा सा देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक ऐसा मकान बनाया है, उसी में आपका भी मकान है, अल्लामा साहब का भी मकान है, नाज़िम इजलास साहब का भी मकान है, इन उलमाए किराम का भी मकान है, उसमें आपकी दुकानें भी है, आपके शॉपिंग सेंटर भी है, और ये आपका मौजा शंकरपुर भी पाया जा रहा है, बल्लामपुर डिस्ट्रिक्ट भी पाई जा रही है। इसी में उसी में नदियां है, उसी में झरने हैं, उसी में पेड़ और पौधे हैं, उसी में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन है। आप कहेंगे मौलाना मुझे ये बताइए, हम मकान बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं, अपने बेटों के लिए बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाते हैं, अपने आइजा वकरबा के लिए बनाते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा मकान किसके लिए बनाया है, जिसमें हम और आपके मकानात भी है, खेत और खलिहान भी है, शॉपिंग सेंटर भी है। प्यारे मुसलमानों, जरा सा गौर करो, देखो अल्लाह तबारक व तआला सूरज से पाक है, अल्लाह चलने से पाक है, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह बैठने से पाक है, अल्लाह मता से पाक है, अल्लाह इला से पाक है, अल्लाह कैसा से पाक है। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मकान किसके लिए बनाया? तो हजरात सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकान के छत को आसमान करार दी है और जमीन को फर्श करार दी है, यानी इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बनाया। मुज़म्मिल व मुदस्सिर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ प्यारे मुसलमानों, देखो जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर हमें और आपको पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इरादा बनाता, इंसान बनाया जाए, इंसान पैदा किया जाए। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे हम्द को, हम तेरी पाकी को बोलने के लिए काफी है। ऐ पाक परवरदिगार, तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद करेंगे, कत्लो गारतगरी करेंगे, एक दूसरे को सताएंगे, बेहयाइयों बुराइयों पर मुब्तला हो रहेंगे। प्यारे मुसलमानों, रब ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्ते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आका कौनैन अलैहिस्सलातु तस्लीम है, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतु कंज़न मख़फ़िया, मैं छिपा हुआ खजाना था। जब मैं चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो सबसे पहले अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, किसी ने कहा लौह को पैदा किया, किसी ने कहा अर्श को पैदा किया, किसी ने कहा कुर्सी को पैदा किया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु तस्लीम के नूर को पैदा फरमाया है। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो शैतानी निगाह से गुजरे दुरूद पर है कि हर जुजो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा, कि हर जुजो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। प्यारे मुसलमानों, जरा सा देखो, आओ गौर करो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी आखिरी जमा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इरादा बनाया इंसान बनाया जाए, इंसान पैदा किया जाए, तब हजरत जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील यहाँ आओ। हजरत जिब्रील अमी है, खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, ऐ मौला तेरा क्या हुक्म है, ऐ पाक परवरदिगार तेरा क्या हुक्म है। रब फरमाता, ऐ जिब्रील यहाँ आओ। खुदा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, रब फरमाता, ऐ जिब्रील जमीन पर चले जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत जिब्रील अमी है, आते हैं जमीन से मिट्टी लेना चाहते हैं, जमीन रोने लगी, जमीन चिल्लाने लगी, जमीन आहोजारी करने लगी, जमीन रो रही है, ऐ सैयदुल मलाइका आप मेरे जिस्म का एक हिस्सा खुदा की बारगाह में लेके जाएंगे और एक इसी हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला इंसान बनाएगा और मेरा एक हिस्सा जहन्नम
में जलेगा। ऐ सैयदुल मलाइका रहम खा जाइए, हजरत सैयदुल मलाइका जो जिब्रीली अमी है रहम खा जाते हैं, खुदा की बारगाह में खाली हाथ वापिस चले जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐ मीकाईल तुम जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, आते हैं जमीन से मिट्टी लेना चाहते हैं, जमीन रो रही है, जमीन चिल्ला रही है, जमीन आहोजारी कर रही है कि आप मेरे जिस्म का एक हिस्सा खुदा की बारगाह में लेके जाएंगे, मेरा एक हिस्सा जहन्नम में चलेगा। यदि खुदा की बारगाह में वापस चले जाते हैं, सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ इज़राइल तुम जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, आते हैं जमीन से मिट्टी लेना चाहते हैं, जमीन रो रही है, जमीन चिल्ला रही है, जमीन आहो जारी कर रही है, जमीन रो रही है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। जमीन से मिट्टी लेकर खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर हाजिर हुए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मिट्टी में आग को मिलाया, उसी मिट्टी में पानी को मिलाया, उसी मिट्टी में हवा को मिलाया, जिसको अरबाए अनासी कहा जाता है। चार चीजों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, बड़ा खूबसूरत पुतला तैयार हुआ, बड़ा ब्यूटीफुल पुतला तैयार हुआ, बड़ा स्मार्ट पुतला रब तआला ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया। प्यारे मुसलमानों जरा सा देखो, ये मैं नहीं कहता हूँ, रब तआला कुरान में खुद फरमा रहा है, लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसानों को अच्छी सूरत में पैदा किया। रब ये नहीं फरमा रहा है मैंने चरिंद को अच्छी सूरत में पैदा किया, रब ये नहीं फरमा रहा है मैंने दरख्तों को अच्छी सूरत में पैदा किया, चरिंदों परिंद को अच्छी सूरत में पैदा किया। अगर रब फरमा रहा है तो हजरत इंसान के बारे में फरमाता है। रब अगर चाहता मुंह यहाँ के बजाय बगल में दे देता, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता। रब अगर चाहता आंख यहाँ के बजाय पीछे दे देता, देखने में बड़ा बदसूरत लगता। रब अगर चाहता हमें और आपको बंदर बनाता, किसी को छुपली बनाता, किसी को कोई और जानवर बना देता, लेकिन रब का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको हजरत इंसान बनाया, और हजरत इंसान बनाने के साथ साथ सबसे अव्वल नबी, सबसे आखिर नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको हजरत इंसान बनाने के साथ साथ सबसे अव्वल नबी, सबसे आखिर नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कौन नबी? वो नबी मुसलमानों कि हजरत शीर से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने दुनिया में आए, हर एक अल्लाह की रजा चाहते थे, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते, खुशनूदी हासिल करना चाहते थे, लेकिन रब ताला उस नबी की रजा चाहता था, उस नबी की रजा जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनों मिलत खवासे बहरे मार्फत, कौन आला हजरत की आला हजरत का कलम है तो सामने नबी का भव्य मुबारक है, आला हजरत का कलम है सामने नबी का दंदाने मुबारक है, आला हजरत का कलम है सामने नबी का लबाए मुबारक है। वो आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की सरजमीन से बैठते हैं और पुकार उठते हैं, क्या अर्ज करते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आला। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि खुदा की रजा चाहते खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ा पुल से अब वजद करे तो जो जरिए कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान जिनकी रजा रब चाहता है, और हम और आप इस दौर में क्या कर रहे हैं, हम और आप बनाम मुसलमान हैं। सुनो मुसलमानों,
पगड़ी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं, बड़ा बड़ा इमामा रख लेने का नाम मुसलमान नहीं। अगर मुसलमान किसका नाम है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ आप कौन है, आप जवाब देंगे मौलाना मैं मुसलमान हूँ। आपसे सवाल किया जाए बताओ मुसलमान किसे कहते हैं, आप कहेंगे मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान है, मैं एक कच्चा खोश खा लेता हूँ, बड़ा बड़ा शादियों में बड़ी बड़ी बोटियां और रोटियां खाता हूँ, मेरा नाम मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन प्यारे मुसलमानों आओ जरा सा देखो मुसलमान कहते किसे है, आपसे पूछा जाए बताओ मुसलमान है, जवाब होगा हाँ मुसलमान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ आप ईमान वाले हैं, आप कहेंगे आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। अगर ईमान के बारे में रिसर्च करना है, इमाम के बारे में बहस करना है, इमाम ईमान किसे कहते हैं ये जानना है, तो हमारे गांव में इमाम भी हैं और मौलाना अब्दुल हद साहब भी हैं और दिगर वलमाए इकराम इस गांव में हैं। आप इनसे पूछिए कि ईमान किसे कहते हैं। चलिए आप लोगों की बात पे मैं सहमत हूँ, मैंने मान लिया आपकी बात को तस्लीम कर लिया। हम मौलाना अब्दुल हद साहब की बारगाह में गए, हजरत बताइए ईमान किसे कहते हैं। मौलाना अब्दुल हद साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मानेंगे और कुछ ऐसे हैं जो नहीं। कुछ ऐसे हैं जो मानेंगे और जो कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे। चलो जब आपको तसल्ली न हुई, मुझे तसल्ली न हुई, अब चलिए नाजमे इस्लाम नाजमे इजलास की बारगाह में चलते हैं। मौलाना तैयब साहब बताइए ईमान किसे कहते हैं। हजरत ने जवाब दिया, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मानेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो न मानेंगे। प्यारे मुसलमानों आओ जरा सा देखो, मान लो तब भी ठीक है, ना मानो तब भी ठीक है, इसलिए कि रसूलुल्लाह के जमाने में कुछ ऐसे थे जो मान लिए थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं माने थे, जो मान लिए अबू बकर थे सिद्दीक अकबर बन गए, उमर थे फारूक आजम बन गए, उस्मान थे जुम्मुरान बन गए, हजरत अली थे मौलाए कायनात बन गए, और जो ना माना वो उतबा का उतबा रह गया, शोबा का शोबा रह गया, अबू जहल का अबू जहल रह गया। अब चलो इस सवाल को लेकर के किसी और की बारगाह में दर बदर न फिरा जाए, बल्कि नबी ही की बारगाह में चले। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे दाता, आप बताइए ना ईमान किसे कहते हैं, ईमान वाले किसे कहते हैं। तो मेरे आका की हदीस पाक है, समाज फरमाइए, ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मि वालिदिही व वलदिहि वन नास अजमईन। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ऐसे उस वक्त तक कोई ईमानदार नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, यहाँ तक कि सारी कायनात से ज्यादा नबी से मोहब्बत न हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे, बहुत। और उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, हदीस पाक की रोशनी में ये शेर कहना चाहूंगा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान ही मुअत्तल है, इसी में हो अगर खामी ईमान ही मुअत्तल है। प्यारे मुसलमानों हमें और आपको चाहिए कि नबी के बताए हुए नक्शे कदम पे चले, हम नबी की फरमा बरदारी कर ले तो नबी की फरमा बरदारी होगी और खुदा की भी फरमा बरदारी हो जाएगी। प्यारे मुसलमानों ये उसे ताजु शरिया है, ये उसे ताजु शरिया में आप तमाम हजरत तशरीफ लाए, बड़े नसीब हजरत हैं जो ये उसे ताजु शरिया में इतने कसीर तादाद में आप हजरत तशरीफ लाए हैं, और जो इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये ना नेता की महफिल है, न एमपी की महफिल है, न एमएलए न ओएमएलए की महफिल है, ये मेरे नबी की महफिल है, ये किसी के बाप की महफिल नहीं, ये रसूल पाक की महफिल है। आ जाओ मुसलमानों, अगर आप जलसा सुनने के लिए अपने नर्म नाजुक बिस्तर को छोड़ करके आए हो, अपने घर द्वार को छोड़ करके आए हो,
तो नबी के जश्न में बैठो, उलमा आए कुछ बयान करे, उनसे कुछ सबक हासिल करो और ना तो मनकबत सुनो और अपने आप अपने आमाल में नेकियां लिखाओ, सवाब लिखाओ। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार यहाँ जितने हाजिर हुए सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा तूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा तूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।